इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं संतोष देवी चैरिटेबल ट्रस्ट चखराना, शिक्षा स्वास्थ्य समाज सेवा स्वच्छता और पर्यावरण को समर्पित हर कदम समाज सेवा की ओर, सचिव डॉक्टर शानु राजकुमार यादव। अब की बार एक ही सपना बहरोड नंबर वन हो अपना, बहरोड की पहचान आपका भाई पलवान, काम किया है काम करेंगे, बहरोड का ऊंचा नाम करेंगे, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। अब की बार मोहित यादव को बनाए विकास का जरिया, सोच ईमानदार काम दमदार, तभी तो है बहरोड का भविष्य और जन जन का विश्वास, युवा भाजपा नेता मोहित यादव। नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सैन आज बहरोड पहुंचे और विभिन्न विभागों के अधिकारियों की मीटिंग एसडीएम कार्यालय पर ली। बहरोड क्षेत्र में अपराध कानून व्यवस्था की जानकारी लेने के बाद जिला कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों को लेकर डॉक्टर आदर्श अग्रवाल से बातचीत की। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, विद्युत विभाग सहित अनेक विभागों का फीडबैक लिया। इस दौरान एसडीएम सचिन कुमार यादव, तहसीलदार दिनेश यादव, नेमराना एसडीएम मुकुट सिंह, थाना प्रभारी राजपाल सिंह, बीडीओ अनीता कुमारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ये रेगुलर हमारा फेनोमेना है और इसमें हमने जो डट विभाग है और जो हमारे दूसरे ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठक की है और कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लगे। और इसके साथ ही हम इसमें आईसी भी कर रहे हैं ताकि किशोर हैं, बच्चे हैं, वो इस तरह आकर्षित ना हो और वो अपने दूसरी जो उनकी पढ़ाई है उस पर ध्यान दें। इसमें देखिए काफ़ी अधिकारियों को इसमें शक्तियाँ दी गई है और उन अधिकारियों से निरीक्षण करवाए जा रहे हैं, इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसको और प्रभावी तरीके से कोशिश की है। देखिए मेरी जानकारी में नहीं है जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा कुछ है तो मैं अभी जो हमारे खंड अधिकारी हैं उनसे बात करूँगा और इस पर आवश्यक आएगी। सर ऊपर स्टे लेने का इस तरह से रेंडमली मैं नहीं बता सकता, ये वन टू वन केसेज होते हैं, इसमें जो भी है जिसने स्टे लिया है और स्टे लिए तो उसके लिए संबंधित न्यायालय जो है उसमें जाकर के वो कार्यवाही करवा सकता है और निश्चित रूप से संबंधित न्यायालय उसमें आवश्यक कार्रवाई करता है। आज बहरोड क्षेत्र के गांव भगवाड़ी खुर्द में जीर्ण माता मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश सह संयोजक प्रशिक्षण डॉक्टर शानु यादव रही। गांव में मूर्ति भ्रमण के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं कलश यात्रा निकालते हुए भक्ति भरे माहौल में नाचते गाते हुए मंदिर परिसर पहुंची। इस दौरान माता के भक्तों ने गगनभेदी जयकारे भी लगाए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर शानु यादव ने बताया कि धार्मिक कार्यक्रमों से समाज में आपसी सौहार्द, प्रेम और भाईचारा बढ़ता है तथा जनमानस में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्षेत्र में शांति और अध्यात्म की जागरूकता के लिए इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए। इस दौरान सरपंच जगदीश प्रसाद, महावीर हवलदार, डॉक्टर करतार मोहर सिंह, ब्रजराज राजेंद्र मिस्त्री, नित्यानंद सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बहरोड में बीती रात लगभग 11:30 बजे भीषण सड़क हादसे में बोलेरो ने कार को टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद तेज धमाके की आवाज़ आई और कार सड़क के बीचों बीच पलट गई। कार के अंदर घायल हुए चालक को आसपास के लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना की सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से कार को सीधा करवाया। आर्टिका गाड़ी को सत्यवीर सिंह जखराना निवासी चला रहे थे। प्रथम जिला अध्यक्ष भाजपा अलवर उत्तर बलवान सिंह यादव के बड़े भाई अमर सिंह यादव की धर्मपत्नी रामकला का देहांत हो गया। वो कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। उनकी अंतिम शव यात्रा में क्षेत्र के सैकड़ों लोग पहुंचे और दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। शोक सभा बलवान सिंह यादव के पैतृक गाँव चाउंडी में आयोजित हो रही है, जहाँ आज अनेक सरपंच, पंच, प्रधान व जनप्रतिनिधि सहित सैकड़ों लोग पहुँचे। इंदू हॉस्पिटल नीमराणा राज क्षेत्र का अत्याधुनिक 60 बेडेड और NABH मान्यता प्राप्त डॉक्टर इंदू यादव स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अशोक यादव पूर्व सर्जन SMH जयपुर और जाने माने डॉक्टर आवेश बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। इंदू हॉस्पिटल में डिजिटल एक्सरे, फार्मेसी, पैथोलैब, ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाएं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, अमूल डेयरी बेनिफिशियरी और सभी प्रमुख DPS।
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोराना में आज राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं व 12वीं में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का SDMC व स्टाफ सदस्यों द्वारा फूल माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। स्टाफ सदस्य जयदर्थ यादव ने बताया कि कक्षा 10 की छात्रा वर्षा यादव ने 94.50% अंक प्राप्त किए, जो कि पूरे बहरोड ब्लॉक के सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों में सर्वोच्च स्कोर है। इस अवसर पर प्रधानाचार्य अरविंद कुमार यादव, उप सरपंच कमल नयन शर्मा, बंसी बोहरा, कैप्टन केहर सिंह सहित इस समस्त स्टाफ और गांव वाले उपस्थित रहे। नारनोल के गोदबलहा गांव में अही रेजिमेंट की मांग को लेकर महापंचायत बुलाई गई, जिसमें क्षेत्र के हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। महापंचायत के लिए 5 एकड़ में पंडाल लगाया गया था। वक्ताओं ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान अहिरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। चाइना के साथ रेजांगला युद्ध में 1200 चीनी सैनिकों को मार गिराया था। अब समय आ गया है कि भारतीय फौज में अहिर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। राठ इंटरनेशनल स्कूल अद्भुत, अतुलनीय, प्रशंसनीय ST SC परीक्षा परिणाम में 112 बच्चों की टॉप रैंक, संपूर्ण राजस्थान के प्रथम 10 स्थान पर 21 बच्चे केवल राठ इंटरनेशनल स्कूल से। एग्जाम कोई भी हो, बेस्ट तो राठ इंटरनेशनल स्कूल ही है। यह हम नहीं, हमारे परिणाम बोलते हैं। इतने कम समय में इस विद्यालय ने जो ऊंचाइयों को छुआ है, निश्चित तौर पे ये एक बहुत ही सराहनीय है। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राठ 24। नमस्कार।